हेलो एवरीवन, मैं आराध्या आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो मेरा ब्लॉग है बहुत ही खास है, तो प्लीज आप लोग इस ब्लॉग को देखना बिल्कुल मत भूलना। ये देखिए गाइस, मेरा बच्चा आया है बालकनी में टहलने के लिए। बोला, मम्मी मेरा वीडियो बना दो। मैंने कहा चलो बेटा बना देते हैं। तो ये देखो हो गया, चले चलो। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं पूजा की बैठक शुरू हो गई है। तो सभी लोग जो है आ गए हैं और पूजा शुरू होने वाली है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पंडित जी बहुत ही विधि विधान से पूजा करवा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो पे बने रहिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना। तो दोस्तों, फंक्शन शुरू होने से पहले जो है पूजा की जाती है। तो हमारे यहाँ जो है पूजा हो रहा है, तो देख सकते हैं दीदी और जीजा जो है बैठे हुए हैं पूजा पे, और थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है ना दीदी को, तो इसलिए जो है बगल बगल जो है तकिया लगा रही हैं ताकि उन्हें बैठने में थोड़ा सा आराम मिले। तो गाइस, आप लोग भी ध्यान से देखना, पूजा शुरू हो गई है और पंडित जी जो है मंत्र पढ़ रहे हैं। हम लोग भी पीछे बैठे हुए हैं, हमारी पूरी फैमिली है और जो भी सामान लग रहा है दीदी जी की जेठानी लेके आ रही हैं। तो पीछे देख सकते हैं पापा हैं और दीदी जी के ससुर हैं, सभी लोग जो है बैठे हुए हैं। और हमारे पति देव जी और भी बच्चे जो है घर के सभी रूम में हैं, और अभी थोड़ी देर में सब लोग आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे लगाते हैं म्यूजिक और आप लोग भी इंजॉय कीजिए। और हाँ दोस्तों, हमारी दीदी के चैनल पर और देवरानी जी के चैनल पर और एक यूट्यूबर भी आई हैं मेघा, आप लोग देख सकते हैं, और उनके चैनल का नाम है मिस कास फैमिली चैनल। और आप लोग को पता ही है दीदी के चैनल का नाम है प्रिया दीप ब्लॉग, और वंदना के चैनल का नाम पता है साइन विथ बंधु, और हमारे चैनल का नाम पता ही है यूपी ब्लॉगर आराध्या। तो दोस्तों, आप लोगों को ना सबके चैनल पर अलग अलग वीडियो देखने को मिलेगा, तो वीडियो पे लगातार बने रहिएगा। और हमारी फैमिली से मिलके आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। उम्मीद है कि अच्छा ही लगा होगा, तो अच्छा लगा होगा तो अच्छे अच्छे कमेंट करना, ठीक है। और जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं उन्हें वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और भी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे लगाते हैं म्यूजिक और आप लोग भी एंजॉय कीजिए, हम भी एंजॉय करते हैं, और पूजा में आप लोग भी शामिल हो जाइए और भगवान जी से प्रार्थना करना सच्चे मन से, ताकि आपकी मुरादें बहुत ही जल्द पूरी हो, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए बाय, मिलते हैं कुछ देर बाद। Thank you.
भोले श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय, श्री सरयू मैया की जय। दोस्तों पूजा संपन्न हो गई और प्रसाद जो है नंदू लेके आए हैं रूम में, क्योंकि पूजा होने के बाद हम लोग जो है रूम में चले आए थे, वहाँ पे सब पापा उपा थे ना, तो सबसे पहले वहाँ पे प्रसाद बटा, फिर उसके बाद रूम में आए जहाँ पे लेडीज लोग हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दे रहे हैं प्रसाद और सबके चैनल पे अलग अलग ही वीडियो गया है, तो प्लीज़ आप लोग देखिएगा ज़रूर। दोस्तों हम आ गए हैं बालकनी में और आप लोगों को यहाँ से दिखा रहे हैं बाहर का व्यू। हम दूसरे बालकनी में आए हैं, यानी दीदी जी के दूसरे बेडरूम में, तो यहाँ से देख सकते हैं इस साइड का कुछ इस तरह से दिखता है एरिया, तो काफ़ी खूबसूरत लगता है। यहाँ पे आने के बाद जो है दिल गार्डन गार्डन हो जाता है सच में हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और जब आप बालकनी में आओ तो ठंडी ठंडी हवा चलती रहती ना, तो और भी अच्छा लगता है। और नीचे की साइड देखो तो काफ़ी हरे भरे आपको नज़र आएंगे। चलिए दोस्तों अब खाना खाने की बारी आ जाती है और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, शाम हो गया है। तो दोस्तों हमारे जो पतिदेव जी पनीर बनाए थे वो बनके तैयार हो गई है। तो दाल है, चावल है, दो किस्म की सब्जी है और पूड़ी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे घर के सभी बच्चे जो है खाना खा रहे हैं, और जो घर की महिलाएं खाना खाईं, बच्चियां खाना खाईं, वो जो है दूसरे चैनल पे जाएगा, तो आप लोग जो है देखिएगा ज़रूर। जैसा मैंने आप लोग को बताया, हमने कई बार आप लोग को बताया ना कि सबके चैनल पे अलग ही अलग वीडियो जाएगा, सब एक जैसा नहीं रहेगा। हाँ थोड़ा बहुत क्लिप मिल सकता है भाई, ऐसा नहीं है कि हम कहीं अलग से वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोग के साथ शेयर करेंगे, है तो वही वीडियो, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा क्लिप हमने छोड़ के रिकॉर्ड किया हुआ है। तो ये लोग खाना खा लें, फिर आप लोगों से मिलते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से इसी तरह एक अच्छे ब्लॉग के साथ, उसका वेट करते रहना। बहुत ही जल्दी आराध्या फिर मुलाकात करेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय दोस्तों।